नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर्स एंड ट्रेंड पैरामेडिकल स्टाफ, 24 आवर्स इमरजेंसी सर्विसेज, नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। नमस्कार, आप देख रहे हैं विजय नीरज, मैं नीरज आपको आज लेकर आया हूँ दिनारा प्रखंड के करहसी पंचायत में, और हमारे साथ धनंजय जी बने हुए हैं। हम इनसे बात करेंगे, यानी मुख्यमंत्री जी का सात नीचे योजना यानी महत्वाकांक्षी योजना जो है मुख्य धरातल पर उतारने का कार्य मुखिया जी करते हैं। हमारे साथ धनंजय जी, हम इनसे बात करेंगे इन्होंने अपनी पंचायत के लिए 5 सालों में कितने विकास किए। सबसे पहले धनंजय जी, हमारे चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है जी। आपने 5 सालों में मुख्यमंत्री जी का महत्वाकांक्षी योजना को अपने पंचायत में कितने विकास कर चुके हैं? हम लोग तो सर अपने कोशिश कर 100% हम लोग विकास कर रहे हैं जी। और मुख्यमंत्री जी का जो योजना है सब कुछ बढ़िया है, काम भी बहुत बढ़िया हुआ। मुखिया के द्वारा, वार्ड के द्वारा भी काम बहुत बढ़िया हुआ जी। दोनों को समन्वय से अच्छा काम चल रहा है और अच्छा विकास भी हो रहा है। बात करेंगे मनरेगा का, तो मनरेगा में कितने विकास कर चुके हैं अपनी पंचायत करहसी के लिए? सर करहसी पंचायत अंतर्गत छोटे बड़े गाँव मिला करके 14 गाँव आते हैं। और हमारा जो काम है, देखने वाली चीज़ है कि पंचायत के जितने भी गांव हैं 14 गांव में मेरा काम हुआ है। जिस वार्ड के जी में मैं एक हिस्सेदारी के तौर पर देखता हूँ कि यहाँ 5 वार्ड है तो 5 हिस्से के काम होना चाहिए, वहाँ 1 वार्ड तो उस हिस्से के काम होना चाहिए। हम लोग मनरेगा के माध्यम से 70-80% काम हम लोगों ने करहसी पंचायत के अंतर्गत मनरेगा से किया है। सभी वार्ड में पानी जा रहा है मुखिया जी? जी, सभी वार्ड में जा रहा है सर पानी। थोड़ा कहीं टूट फूट हो रहा है, उसका मरम्मत भी हम लोग करवा कर पानी हर घर में देने का हम लोग कोशिश करते हैं सर, हर संभव। 5 सालों में शासन प्रशासन की तरफ से क्या क्या कठिनाइयाँ झेलना पड़ा आपको? सर 5 साल में प्रशासन की तरफ से हम लोग तो बहुत खुश हैं, संतुष्ट भी हैं, इसलिए कि आज के डेट में हम लोग को जो चाहिए, रात बिरात घूमने वाले नेता हम लोग को भी करना है, तो इस चीज़ों को देखते हुए यहाँ नीतीश कुमार ने इस काम पर काफ़ी मेहनत की और अच्छा वर्क हुआ, हम लोग सुख शांति से हैं। क्या कहें, मुख्यमंत्री जी का सात नीचे योजना जो महत्वाकांक्षी योजना है, क्या धरातल पर सार्थक है? लोग सर यदि सरकार के काम को अपना काम समझकर और इस सामान या कोई भी सामग्री उसको यूज करें तो ये काम सार्थक है। यदि हम सरकार ने हमारी योजना को धरातल पर उतारी है और इसको मैं सरकार के काम को छोड़कर समझ करके और उसे छोड़ दें और सरकार के तौर पर ही काम करें तो ये काम संभव नहीं है सर, कि हमें पानी मिल जाए, हमें बिजली मिल जाए। उस चीज़ को जो सरकार ने हमको दी है उस चीज़ को संभालना मेरा काम है, जनता का काम है, और इसके लिए मैं जनता से आज भी कहूँगा कि सरकार की संपत्ति को अपना संपत्ति समझ कर और कार्य करें, यूज करें। धनंजय जी, सबसे बड़ी सवाल कि सात नीचे योजना में बंडर वाट हुआ है, क्या कहेंगे आपकी पंचायत में कृषि में भी बंडर वाट की घटनाएं आई है? सर यहाँ की जनता बताएंगी, हमारे वार्ड लोग बताएंगे कि कितना बंदर वाट हुआ है, कितना काम हुआ है। जो बंदर वाट की बात है तो और मुखिया लोग जानेंगे और वार्ड लोग जानेंगे, लेकिन मैं अपना बात बता रहा हूँ कि आज भी सर नल जल योजना ऐसी योजना है कि हर महीना 20,000, 25,000, 30,000 का काम होना है, टूट फूट का काम, रिपेयर का काम होना है। तो अभी तक जो नीतीश कुमार द्वारा जो योजना चलाया गया तो रिपेयरिंग के लिए उसका कोई फंड अभी नहीं आया सर। तो हम मुखिया के माध्यम से, हम अपने माध्यम से इस वार्ड में जो भी वार्ड में टूट फूट होती है उसका हम लोग काम करते हैं अपने पैसे के माध्यम। विकास की गंगा की बात करें तो विकास की गंगा कितने बहे आपकी कृषि पंचायत में? 100% सर, 100% विकास हुआ। मुख्यमंत्री जी से कुछ शिकायत भी है क्या? सर शिकायत थोड़ा जरूर है मेरा। क्या शिकायत है जरा हमारे चैनल पर आप? सर शिकायत है कि जो ये नल जल योजना है जी, उसमें थोड़ा सा संशोधन किया जाए सर, क्योंकि ये योजना लंबे समय के लिए बना है, ये 5 सालों के लिए योजना नहीं है सर। और सिचुएशन ये है कि हर गांव में, अभी मैं बिहार के रोहतास जिला के मैं बात करूँ तो रोहतास जिला के अभी 60% ऐसे गांव में घुमा दूंगा आपको जिसमें कि पानी की बहुत बड़ी बड़ी किल्लत है। तो इस पानी की किल्लत को देखते हुए हमने, हमारे मुख्यमंत्री ने नल जल योजना का शुरुआत किया और इस योजना में मैं मुख्यमंत्री से मेरा यही शिकायत है कि इसमें कुछ सिस्टम अलग तरह से बदलाव के तौर पर जो भी सिस्टम है थोड़ा सा अलग हो ताकि पैसा सही जगह यूज हो, पैसा का बंदरबांट ना हो और
और सही काम। 5 सालों में कोई ऐसा कार्य बताए जी जो अभी तक किसी कारणवश से नहीं हो पाया हो। सर मैंने मेरे नज़र में कभी नहीं है सर पूरी काज जी। हमारे साथ कृषि पंचायत के धनंजय जी जुड़े हुए थे। इनका कहना है कि मुख्यमंत्री जी का साथ नीचे योजना जो है जो धरातल पर तो सही है, लेकिन कुछ इनका कहना है कि मुख्यमंत्री जी जो साथ नीचे योजना को जो बंडर बांट हुआ है उसके लेकर इनको सुधारने की काफ़ी ज़रूरत है। हमारे सहयोगी आदर्श के साथ नीरज कुमार, विजय निर्देश, पटना।